नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं स्टार 7 टीवी न्यूज। आइए हम नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। टैबलेट व स्मार्टफोन पाकर बच्चों में दौड़ी खुशी की लहर। जी हां दोस्तों, खबर है सोनभद्र से। सोनभद्र के अंतर्गत कई महाविद्यालयों में स्थानीय वनवासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशन में छात्र छात्राओं को फ्री स्मार्टफोन टैबलेट वितरित करने की योजना के अंतर्गत विद्यालय के प्रबंधक श्रीनिवास दुबे की अध्यक्षता में सोमवार को टैबलेट वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। बीआरडी पीजी कॉलेज में भी विधायक दुद्धी ने 102 छात्रों में वितरित किया टैबलेट पाकर बच्चों के चेहरे खिले। स्थानीय कस्बा में स्थित भावराव देवरस राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में 102 छात्रों को टैबलेट वितरण किया गया। मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसके बाद छात्र छात्राओं को एक एक कर क्रमबद्ध तरीके से टैबलेट वितरण किया गया। इस दौरान विधायक दुद्धी ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार की मनसा अनुरूप इस टैबलेट योजना के तहत छात्र छात्राओं में डिजिटल शिक्षा के लिए प्रेरित करना है तथा इस टैबलेट के माध्यम से छात्र उच्च शिक्षा तथा जानकारी पद शिक्षा ग्रहण कर आगे बढ़ सकेंगे। स्टार 7 टीवी न्यूज की कवरेज, मनीष कुमार की रिपोर्ट। इसी तरह की खबरों को देखने के लिए बने रहिए स्टार 7 टीवी न्यूज के साथ।